हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री हाई फाई यूट्यूब चैनल। आई एम सरिता, योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टीवंस रीअरेंजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टीवंस रीअरेंजमेंट? ए स्टीवंस रीअरेंजमेंट इज ए टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इन विच क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट कन्वर्ट्स टू टर्शरी अमीन इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बेस मे बी फिनाइल लिथियम और अल्कोक्साइड। सो स्टीवंस रीअरेंजमेंट क्या है? स्टीवंस रीअरेंजमेंट एक ऐसी रीअरेंजमेंट है जिसमें क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट कन्वर्ट होता है टर्शरी अमीन में, और प्रेजेंस होनी चाहिए स्ट्रोंग बेस की। स्ट्रोंग बेस आपका फिनाइल लिथियम भी हो सकता है, अल्कोक्साइड आयन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन एक्सप्लेन स्टीवंस रीअरेंजमेंट बाय दिस रिएक्शन। हेयर वी हैव टेकन दिस क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट हेयर नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड टू शो सोल्ट देर इज ए काउंटर पार्ट, नेगेटिव काउंटर पार्ट वी कैन रिप्रेजेंट ब्रोमाइड। सो दिस इज क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। ऑन ट्रीटमेंट विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट कन्वर्ट्स इन टू टर्शरी अमीन। दिस इज स्टीवंस रीअरेंजमेंट। वन थिंग शुड बी नोटेड फॉर स्टीवंस रीअरेंजमेंट इज दैट कि जो हमने क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट लिया है, इसमें किसी भी अल्काइल ग्रुप में बीटा पोजिशन पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन में हमने ट्रीटमेंट किससे कराना है, बेस से, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन करना। इसी वजह से बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन होगा तो प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन करेगा, हाइड्रोजन का जो एसिडिक हाइड्रोजन होगी उसका अब्स्ट्रक्शन करेगा। अनदर थिंग जो क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट के लिए है वो है कि कम से कम एक अल्काइल ग्रुप आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की बीटा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो हमने क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट लिया है, इसमें ये जो आपका असाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कैसा है नेचर में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट की क्या है, स्पेशलिटी है कि स्टीवंस रीअरेंजमेंट में ऐसा क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में जिसमें किसी भी अल्काइल की बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और नाइट्रोजन की बीटा पोजीशन पे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जरूर होना चाहिए। ओके, क्लियर है? Now we will discuss about its mechanism. Its mechanism means a mechanism of Stevens rearrangement. Stevens rearrangement में क्या था, quaternary ammonium salt लिया था हमने, base की presence में convert हो गया था tertiary amine में। अब हम पढ़ेंगे कि quaternary ammonium salt किस path से convert होता है tertiary amine में, इसके mechanism में। So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टेकन बेस एंड बेस अब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनियम सोल्ट टू गिव येलाइड। हेयर येलाइड इज नाइट्रोजन येलाइड। यहाँ पर जो येलाइड हमने ली है, ये नाइट्रोजन येलाइड है, और जो येलाइड बनेगी वो अपने आप को रीअरेंज करेगी, रीअरेंज करके टर्शरी अमीन देगी। ठीक है? सो here we have taken this quaternary ammonium salt, these two are alkyl group, this is aryl group, and this is a methylene group, and here z is electron withdrawing group. yahan par z kya hai, ek electron withdrawing group hai. humne iska function kya hai, kyun humne ye electron withdrawing group liya hai, isko hum next padhenge. सो ये जो क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट है, इस क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट से जब बेस रिएक्शन करता है तो आपको पता है कि बेस का काम होता है प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन करना। अब इस बेस के लिए, बेस के ऊपर आपको पता है तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रक्ट करेगा। यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है,
क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है? क्योंकि एक तो यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जेड, और दूसरा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है नाइट्रोजन, जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। सो ये जो हाइड्रोजन होगी ये हाईली एसिडिक होती है। अब जब बेस इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी इस कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज कंपाउंड की। सो दिस इज नोन एज येलाइट, दिस इज नाइट्रोजन येलाइट। ये क्या है? नाइट्रोजन येलाइट। नाइट्रोजन येलाइट क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर नाइट्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज से जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन येलाइट। सो ये क्या है? नाइट्रोजन येलाइट। अब हमने पढ़ा था कि बेस क्वार्टरी अमोनियम सोल्ट से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, और इसके बाद नाइट्रोजन येलाइट की फॉर्मेशन होगी। नाइट्रोजन येलाइट जो बनेगा ये अपने आप को रीअरेंज करता है। कैसे रीअरेंज करेगा? कि यहाँ पर जो अराइल ग्रुप है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, इस वजह से अराइल ग्रुप माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन से कार्बन के पास। और जब माइग्रेशन होगा तो अराइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये नाइट्रोजन को देकर जाएगा। क्यों देकर जाएगा? क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव चार्ज। सो अगर हम नाइट्रोजन को फर्स्ट बोलें, कार्बन को सेकंड एटम बोलें, तो हम इसको बोल सकते हैं 1-2 अराइल शिफ्ट, क्योंकि अराइल ग्रुप शिफ्ट हुआ है फर्स्ट पोजिशन से सेकेंड पोजिशन पे, इसीलिए हम इसको बोलेंगे 1-2 अराइल शिफ्ट। सो ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजन एलाइड देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस टर्शरी अमीन। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टीवंस रीअरेंजमेंट। नाउ हमने यहाँ पर बताया था कि जेड आपका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। अगर जेड इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो हमने इसको क्यों लिया है? क्या इसकी ज़रूरत थी कि हमें क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट में नाइट्रोजन की बीटा पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लेना पड़ा है? अब आपको पता है, थोड़ा सा नाइट्रोजन येलाइट के बारे में बताती हूँ कि नाइट्रोजन येलाइट जो होती है ये टू टाइप्स की होती है। एक तो नाइट्रोजन येलाइट होती है स्टेबलाइज और एक होती है नॉन स्टेबलाइज। तो जो नाइट्रोजन येलाइट बनती है अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो तो नाइट्रोजन येलाइट को स्टेबलाइज करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका एक नाइट्रोजन येलाइट है और यहाँ पर इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप असाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको पता है कि असाइल ग्रुप का नेचर है इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने का। अब ये नेगेटिव चार्ज को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो नेगेटिव ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की, वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एज ए रिजल्ट आपको एक न्यू स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और आप ये भी जानते हो कि जो रेजोनेंस होता है वो स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो भी स्टेबिलिटी को इनक्रीज करती हैं। सो हमने यहाँ पर देखा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप था इसने क्या किया है? नाइट्रोजन एलाइट को स्टेबलाइज किया है। और नाइट्रोजन एलाइट को स्टेबलाइज किया है, यही इम्पोर्टेंट रोल है कि हमें जो आपका क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जरूर लेना चाहिए। क्लियर है? ये था मैकेनिज्म फॉर स्टीवंस रीअरेंजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टीवंस रीअरेंजमेंट। Now we will discuss about stereochemistry of Stevens rearrangement. So if we have taken a quaternary ammonium salt which is optically active, then total retention or completely retention in absolute configuration take place. Complete retention ka matlab ye hai कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट में है वही सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी प्रोडक्ट में। ओके, सो
स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। इसमें ये आपके पास है कि ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट है। हियर जो ये हमने स्टार लगाया है, स्टार का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है ये एक कायरल सेंटर है, मीन्स इस कार्बन के पास चारों ग्रुप लगे हुए हैं, चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट है, एक कायरल है। जब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट बेस से ट्रीटमेंट करते हैं हम इसका, तो ये कन्वर्ट होता है टर्शरी अमीन में। अब हमने देखा कि ये जो ग्रुप है आपका जो कि ऑप्टिकली क्या है एक्टिव, इस ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप के यहाँ पर भी रहेगी। सपोज करो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी आर थी तो यहाँ पर भी क्या होगी आर होगी। अगर इफ इट इज एस हेयर देन इट ऑल्सो एस हेयर, बट यू कैन कैलकुलेट एक्चुअल स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू सी आई पी रूल, और सी आई पी रूल को लगा करके इसकी स्टीरियो फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करना कि ये जो आपका कंपाउंड है ये आर है या फिर एस है। आई थिंक आपको ये टॉपिक स्टीवंस रीअरेंजमेंट वाला क्लियर होगा। इफ एनीवन हैव सम डाउट देन यू कैन आस्क बाय कमेंट्स। ओके क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।